दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं आत्माज हेल्थ केयर लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो ये आईपीओ आया और क्लोज़ भी हो गया। जुपिटर हॉस्पिटल का ये आईपीओ था और साथ साथ में इसके अंदर देखेंगे आज अलॉटमेंट का दिन है और देखेंगे कैसे चेक करते हैं अलॉटमेंट और आज के डेट में लाइव अलॉटमेंट स्टेटस क्या चल रहा है इस आईपीओ के अंदर। और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि अलॉटमेंट के दिन ये आईपीओ हमको कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और साथ साथ में इसके अंदर कितना सब्सक्रिप्शन आया है। सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बड़ी दबा दो। चलो देख लेते हैं आत्माज हेल्थ केयर लिमिटेड आईपीओ का लाइव अलॉटमेंट स्टेटस देख लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं आत्माज हेल्थ केयर लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए ये आईपीओ जुपिटर हॉस्पिटल के नाम से भी कह सकते हैं इस आईपीओ की। आईपीओ आया और क्लोज हो गया, आज इसका अलॉटमेंट का दिन है। देखेंगे इसमें सब्सक्रिप्शन क्या आया, लाइव स्टेटस क्या चल रहा है, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। बात करेंगे अदर्स के अंदर यानी एचएनआईस के अंदर करीब करीब 36-37% आईपीओ हुआ, सब्सक्रिप्शन हुआ और अमाउंट इसके अंदर 670 करोड़ का देखने को मिला। बात करेंगे हम जैसे आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो करीब करीब 30 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ रिटेल के अंदर और जो अमाउंट इकट्ठा हुआ 552 करोड़ का। अगर टोटल सब्सक्रिप्शन देखा जाए इस आईपीओ के अंदर तो 34 टाइम्स ये आईपीओ फुल्ली ओवर सब्सक्राइब हुआ और अमाउंट 1226 करोड़ तक का इस के अंदर हमको अमाउंट इकट्ठा होता हुआ देखने को मिला। और साथ साथ में बात करते हैं इस आईपीओ की डे बाय डे की, तो फर्स्ट डे देखा जाए इसके अंदर तो कुछ खास रुझान दिखा नहीं था, करीब करीब 36% तक देखने को मिला। लेकिन सेकंड डे 20 जून को इसके अंदर ये आईपीओ 3 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। उसके बाद लास्ट दिन इसका 21 जून 2023 को था और इस दिन मैंने कहा था पार्टिसिपेट करो, ये आईपीओ अच्छा पैसा बना के दे सकता है। और आखिरी दिन ये आईपीओ हमको करीब करीब 33-34 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ ये आईपीओ। और अगर आईपीओ की डिटेल में बात करते हैं आत्माज हेल्थ केयर सर्विस के अंदर जो आईपीओ आया हुआ है और जो इसके अंदर शेयर्स ऑफर हुए वो देखते हैं। मार्केट मेकर्स को करीब करीब इसके अंदर 5% दिया गया था और जो शेयर्स ऑफर हुए थे 3,22,000, अमाउंट करीब करीब 2 करोड़ का था। और टोटल अगर देखा जाए तो इसके अंदर अदर्स एचएनआईस के अंदर जो ऑफर हुआ था 33,39,500 हुआ था और अमाउंट 18 करोड़ रखा गया था। और सेम रिटेल के लिए भी अमाउंट 18 करोड़ रखा गया था और दोनों के लिए 47% रखा गया था। अगर टोटल देखा जाए तो इसके अंदर अमाउंट शेयर्स का जो करीब करीब आईपीओ का जो टोटल था 38 करोड़ का ये आईपीओ था और इसके अंदर जो बिड लगी हुई है, जो अमाउंट आया हुआ है करीब करीब 12-15 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट आ चुका है। ज़बरदस्त ये आईपीओ देखने को मिला। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं और आज क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते। बात करें आत्माज हेल्थ केयर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में। फिलहाल देखा जाए टेंटेटिव टाइम टेबल इस आईपीओ की, तो ओपनिंग हुई थी करीब करीब 19 तारीख को सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ था, 21 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो गया था। उसके बाद आज है 26 जून 2023 मंडे का दिन है, आज हमको इसके अंदर बेसिक अलॉटमेंट देखने को मिला है। देखा जाए तो ये आईपीओ आया क्लोज भी हो गया, आज इसका अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो 26 तारीख यानी आज के दिन अलॉटमेंट मिलेगा और कल के दिन हमारे अकाउंट में रिफंड हो जाएगा और उसके बाद 29 तारीख को थर्सडे के दिन ये हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि 28 तारीख को मार्केट बंद है, हॉलीडे है। और उसके बाद हमको लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी 29 जून 2023 फ्राइडे का दिन रहेगा और फ्राइडे के दिन लिस्टिंग गेन कैसे लेते हैं वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और अगर इस आईपीओ को और भी डिटेल में देखा जाए करते हैं इस आईपीओ की लॉट साइज़ के बारे में। जैसे मैंने बताया था मिनिमम मैक्सिमम रिटेल 1 लॉट ले सकता था और 2000 शेयर्स रखे गए थे 1 लॉट के अंदर। अमाउंट पे करना था 1,20,000, 1 लॉट से ज़्यादा लेना था नहीं, 2 लॉट लेना था, करीब करीब 2 लॉट के अंदर 4,000 शेयर्स थे और अमाउंट पे करना था 2,40,000। फिलहाल बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। अब देखा जाए तो इसके अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग थी करीब करीब 88% थी, अब इसके अंदर करीब करीब 63% होल्डिंग हो जाएगी। चलो देख लेते हैं आईपीओ का आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। आईपीओ के अलॉटमेंट की अगर अलॉटमेंट चेक करना है आत्माज हेल्थ केयर का, तो उसके लिए आना पड़ेगा लिंक इन टाइम की वेबसाइट पे आना पड़ेगा और यहाँ पे दिया हुआ है पब्लिक इशू, इस पे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा और इसके अंदर अपना आईपीओ चेक कर सकते हैं। आईपीओ चेक करने के लिए जैसे जो आईपीओ इससे पहले आया था इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 चीज़ दिए हुए हैं, पैन कार्ड एप्लीकेशन, DPID और अकाउंट नंबर। तो सबसे बेस्ट रहता है पैन कार्ड, जैसे मैं अपना पैन कार्ड यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ और मैंने ये अपना पैन कार्ड और साथ साथ में ये नंबर भी इंटर किया और इसको मैंने सबमिट कर दिया। अगर मुझे मिलेगा आईपीओ तो लिख कर आएगा अलॉटेड, अगर नहीं मिला तो लिख कर आएगा नॉट अलॉटेड। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना आईपीओ चेक कर सकते हैं लिंक इन टाइम वेबसाइट के ऊपर। फिलहाल चलो देखते हैं आईपीओ की और भी क्या डिटेल है और क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते। आत्माज हेल्थ केयर
सर्विस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। फिलहाल देखा जाए आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है, आज है 26 जून 2023, और ये आईपीओ करीब करीब हमको 16 से 17% तक के इसके अंदर हमको तेज़ी देखने को मिली। जब ये आईपीओ आया और चल रहा था करीब करीब ये 18% तक का इसके अंदर चला गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा मार्केट में गिरावट देखने को मिली और जिसका असर हमको इस आईपीओ के अंदर भी देखने को मिल रहा है, करीब करीब 16% तक चला गया। फिलहाल अभी भी ये 16% पे है और आज इसकी अलॉटमेंट का दिन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके माध्यम से अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा देना, ताकि नई नई वीडियोज़, नई नई नॉलेज मैं टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आता रहूँ।